Newton's laws of motion ka second numerical. A car moving at 40 km per hour is to be stopped by applying brakes in the next 4 meters. If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? So, yahan pe is numerical mein car di hai jiska mass diya hua hai 2000 kg. Weighs matlab weight matlab force. To yahan pe force diya hua hai. नहीं, आपको यूनिट देखना है, यूनिट चेक करना है और देखना है कि क्या दिया है. तो यूनिट है केजी, इसका मतलब इसका मास दिया हुआ है. ये आपको इस तरह से यूनिट से समझ लेना है कि कौन सी क्वांटिटी दी है. और वो बॉडी क्या हो रही है, मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे हम, तो किलोमीटर का मीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आवर का सेकेंड मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड. तो इस तरह से इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो आपको 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 इसका कैलकुलेशन करते हो तो वो हमेशा के लिए याद रखना है, वो होगा 5/18. तो इसका कैलकुलेशन आएगा 5/18, तो 2 9 20, 25 100 और ये 9, इतना मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी. अब उसे रोकने के लिए ब्रेक्स अप्लाई किया, मतलब रिटार्डिंग फोर्स होगा, बॉडी रुक जाएगी और रुक जाए, मतलब वेलोसिटी वी इज इक्वल टू दिया है 0. और इस केस में कितना ब्रेक लगाना पड़ेगा, मतलब कितना रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें पूछा है कि ये फोर्स कितना होगा. और यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स का इक्वेशन वही यूज करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मास दिया है 2000, तो एयर वैल्यू रख देते 2000, और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फिर से हमें तीन इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज करना है चेक करना पड़ेगा. तो वी माइनस यू अपॉन टी, लेकिन टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी है. तो हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए टी चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन जो होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल भी दी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस भी दिया है, तो हमें ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं. एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर इस साइड में आया और ये 2s, तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू 0 हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, 0 का स्क्वायर 0, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी हमने फाइंड की मीटर पर सेकेंड में, उसका स्क्वायर मतलब 100 × 100, और यहाँ पे 9 × 9, और होल डिवाइडेड बाय 2 × s. s कितना होगा, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 4 मीटर. तो ये ऊपर से न्यूमेरेटर पे आ जाएगा, बहुत ऐसा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता. यहाँ पे 1/something होता तो ऊपर चला जाता, यहाँ पे 2/4 यही पे आ जाएगा, बहुत लोगों को ये लगता है. अब इसका 4 से अगर 25 आ जाएगा और 2 से यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमें मिला 50 × 25 डिवाइडेड बाय 9 × 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 50 × 25 डिवाइडेड बाय 9 × 9, तो ये 125, तो ये तो आ गया 125 और ये 0, और 9 से इसे डिवाइड करते तो 9 × 1 = 9, फिर ये तो 3 और 48 और 8, फिर ये 9 से डिवाइड करते 9 × 1 = 9 रहेंगे, 4 × 48 9 × 5 = 8, फिर 4 और ये 2, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो f आ जाएगा 2 × 4 = 8 × 10 = 1 और 8 × 3, और ये 2 0 से 2 decimal चला जाएगा, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. तो फोर्स कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर डेसिमल दे देंगे तो 1 2 3 4, मतलब 3.10⁴. इसका राउंडिंग ऑफ करते हैं तो फोर्स मिलेगा 3.1 × 10⁴ न्यूटन. तो आंसर तो मिल गया, लेकिन हमें इस बुक में, एससी वर्मा के बुक में हर आंसर को हमें देखना है और कुछ तो विजुलाइज करने की कोशिश करना है हर आंसर. पहला न्यूमेरिकल जो था उसमें 2 kg की बॉडी दी थी और उसके लिए फोर्स लगा था हमें 10 N, 2 kg के लिए 10 N एक्सेलरेट करने के लिए. और यहाँ पे 2000 बहुत ही ज्यादा मास दिया हुआ है, 2 kg और यहाँ पे 2000 बहुत ही ज्यादा मास दिया हुआ है, तो फोर्स भी देखो वहां पे 10 N लग रहा था, यहाँ पे 10⁴ इतना ज्यादा मास लग रहा है, मतलब जितना मास ज्यादा होगा उसे एक्सेलरेट करने के उतना ही ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इतना तो विजुलाइज हो गया है यहाँ पे. एक्चुअली डिपेंड होता है कि कितना एक्सेलरेट करना है उस पर भी.
और हमने रिटार्डिंग फोर्स मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अगर साइन भी अगर यहाँ पे कंसिडर करते तो ये माइनस यहाँ पे माइनस दे देते, तो यहाँ पे माइनस दे देते, तो ये फोर्स आ जाता माइनस फोर्स, ये फोर्स आता माइनस मतलब रिटार्डिंग फोर्स। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, अगर माइनस साइन देते तो हमें ये रिटार्डिंग फोर्स होगा।